वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक नया वीक और एक नई बुक समरी के साथ। इस हफ्ते की बुक है एटॉमिक हैबिट, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। इस बुक में उन्होंने बताया है कि क्यों गोल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सिस्टम बनाने, एक प्रोसेस बनाना। गोल तो हर कोई सेट करता है, फिर भी बहुत कम लोग होते हैं जो अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। उसके पीछे काम करता है सिस्टम, जो हैबिट के कारण चलता है। तो चलिए देखते हैं इस बुक में क्यों बताया गया है कि आपको छोटे छोटे हैबिट्स बनाने चाहिए, एक सिस्टम और प्रोसेस के तहत जाना चाहिए, ना कि बहुत बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो चलिए इस बुक की समरी हम शुरू करते हैं। पहली चीज इस बुक में बताई है, द पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। इस बुक में बताया गया कि अगर आपको कोई डिजायर रिजल्ट पाना है, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गोल सेट करने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके अलावा आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके तहत आप चलेंगे, और इसमें आपको सिर्फ थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसमें अगर आप सिर्फ 1% डेली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो साल खत्म होने के बाद आप 37% ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। इसीलिए आपको सिर्फ छोटे छोटे एक्शन लेने चाहिए और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए डेली एक सिस्टम के थ्रू, तभी आप एक गोल तक पहुंच पाएंगे। अगर आपको सिर्फ छोटे एक्शन ही लेंगे, तो ही वो आपको रिजल्ट तक पहुंचा देंगे। आपको कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा गोल सेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये मिनी एक्शन की एक प्रॉब्लम ये है, इसका रिजल्ट आपको पहले दिन से नहीं दिखेगा। अगर आप पहले दिन कुछ अच्छा खाने की शुरू करेंगे या एक बुक रीड करने की शुरू करेंगे, तो आपको फर्स्ट डे उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग रन में वो कंपाउंड इफेक्ट की तरह उसका रिजल्ट जरूर दिखेगा। इसीलिए आपको एक सिस्टम बनाना चाहिए और छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, सिर्फ चाहे वो 1% इम्प्रूवमेंट ही क्यों ना हो। बहुत बड़े गोल सेट करने से आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करोगे, लेकिन अगर आप एक सिस्टम बना दिए, तो आप एक प्रोसेस बना रहे हो। गोल सेट करने से सिर्फ आपको ये पता चल जाता है कि मेरा आउटकम क्या है, लेकिन इस आउटकम तक कैसे पहुंचे, उसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सा काम मुझे करना चाहिए, किस तरीके से वो काम करना चाहिए। गोल आपका हो सकता है कि आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक सिस्टम आपके पास होना चाहिए कि उसके लिए फिट आपको रहने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। ये आपका एक सिस्टम हुआ। तो इसीलिए आपको गोल तक पहुंचने के लिए आपको सिस्टम की जरूरत होती है। जो छोटे छोटे मिनी हैबिट्स होते हैं, वही सिस्टम होते हैं। तो गोल तो विनर और लूजर दोनों बनाते हैं, लेकिन सफल से वही हो पाएंगे जिनके पास सिस्टम होगा। अब समझते हैं कि जब हम ये जान चुके हैं कि सिस्टम बनाना इतना जरूरी होता है, कि वो सिस्टम काम कैसे करेगा, उसके लिए आपके पास हैबिट्स होनी चाहिए। तो हैबिट्स बनते कैसे? बेसिकली आपके पास अगर कोई अच्छा हैबिट बनाना हो या बुरा हैबिट, वो बनेंगे चार ही पाल। वो चार पाल थे क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। ये क्या होता है? क्यू क्या होता है? वो चीज जो आपको आदतों के लिए याद दिलाते हैं। क्रेविंग क्या होता है? जो आपको वो काम करने के लिए मजबूर करते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है? जो आप एक्शन लेते हैं। रिवॉर्ड क्या होता है? जो आपको काम करने के बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो होता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप अपना काम आराम से कर रहे हैं, उसी समय अगर फोन पे नोटिफिकेशन आएगा, ये आपके लिए क्यू है। इससे आपको याद आएगा कि आपको मोबाइल देखना चाहिए। और क्रेविंग क्या होगी? आप चाहते हैं कि देखें कि आपका नोटिफिकेशन क्या है, कौन सा मैसेज आया है। रिस्पॉन्स क्या हुआ? जैसे ही आप मोबाइल उठा के उस मैसेज को रीड करते हैं। रिवॉर्ड क्या हुआ? आपको एक सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने अभी जो नोटिफिकेशन आया था उसे रीड कर लिया। यही होता है किसी काम को, अगर आप बार बार इसी प्रोसेस को करते रहेंगे, तो वो आपकी एक आदत बन जाएगी। जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप हमेशा चेक करेंगे, क्योंकि वो आपकी एक आदतों में चली गई है। तो आप सवाल आता है कि अगर मेरे पास कोई बुरी हैबिट है, तो उसे हम तोड़े कैसे, और कोई अच्छी हैबिट है, तो उसे हम और अच्छा कैसे बनाए, या हम कोई एक नई हैबिट कैसे बनाए। उसके लिए पहले हम शुरू करते हैं कि कोई बुरी हैबिट को कैसे खत्म करें। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्यू को इनविजुअल बना सकते हैं। यानी कि अगर आपको नोटिफिकेशन आ रहा, तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए, अवॉइड कीजिए इंटरनेट कनेक्शन रखना उस समय जब आप कोई काम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट। क्रेविंग में आप उस चीज़ को अनअट्रैक्टिव बना दीजिए, यानी कि आप डिसएडवांटेज बताने लगिए कि इंस्टाग्राम अगर मैं चलाऊंगा या कोई सोशल मीडिया चलाऊंगा, तो उसका कितने डिसएडवांटेज है, कितनी ये चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ों को मत चलाइए, लेकिन हमेशा के लिए अगर आपकी ये बुरी आदत बन गई हमेशा सोशल मीडिया चलाना, तो आप इसकी डिसएडवांटेज सोच सकते हैं कि कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं, क्या उसके कारण आपकी लाइफ में बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दीजिए, यानी कि आपने सारे सोशल मीडिया पे इतने लॉन्ग पासवर्ड सेट कर दीजिए कि आप उसे खोलने में इतना टाइम लगे कि आप उसे ना चलाने का ही मन करे। और जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो, जब आपके पास कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हो सोशल मीडिया पे करने के लिए, तभी आप उस काम को करिए।
रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइड बना दीजिए, यानी कि आप किसी एक ऐसे इंसान को अकाउंटेबल बना दीजिए जो आपको बताता रहे जब आप फालतू का सोशल मीडिया चला रहे हो, जिसके कारण आपको बार बार आपको अनसेटिस्फाई लगेगा, आपको बार बार लगेगा कि नहीं चलाना चाहिए। इस तरीके से आप किसी भी बुरी हैबिट को तोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरह अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है उसके लिए क्यू को विजिबल बना दीजिए। मान लीजिए कि अगर आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है तो बुक को अपने आसपास रखिए, यानी कि जहां आप बार बार किताबें देखते हैं, जिसके कारण आपको याद आएगा कि मुझे बुक्स पढ़नी है। दूसरा चीज, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना दीजिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बुक मार्क लगा सकते हैं बुक में, या 5-6 पेजेस ही पढ़ सकते हैं, बुक के बारे में एडवांटेज सोच सकते हैं कि अगर मैं बुक पढ़ूंगा तो मेरे लिए ये अच्छा होगा, जिसके कारण आप अट्रैक्टिव होंगे, आपको मन करेगा बुक पढ़ने के लिए। रिस्पॉन्स को ईजी बना दीजिए। इसके लिए आप बुक अपने आस पास रखिए, यानी कि बहुत पास रखिए। ऐसा ना हो कि आपको बुक ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा हो, या बुक सेल में जाना पड़ रहा हो, या लाइब्रेरी जाना पड़ रहा हो। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो आप उस काम को नहीं करना पसंद करेंगे। और रिवॉर्ड में आप बुक की एडवांटेज सोच सकते हैं, देखिए मैंने बुक पढ़ ली, अब मैं अच्छे से सोच पा रहा हूँ, एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो उसके कारण सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये चीज़ें आपको ये काम बार बार करने के मजबूर करेंगे, और जिस काम को आप बार बार करेंगे वही आपकी आदतें बन जाती हैं। तीसरी चीज़ इस बुक में बताई ये कि आप एक गोल तो सेट कर लिए, जिसके कारण आपको पता है कि आउटकम आपका क्या होना चाहिए। प्रोसेस सेट कर लिए, जो आपको सिस्टम के थ्रू हैबिट बना लिए, जिसके कारण आप उसके पास पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि इस डायग्राम से समझ लें। गोल तो पहला चीज हो गया, आउटकम जिससे आप पहुंच गया, ये प्रोसेस हो गया। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करें, आप बिलीव करने लग रहे हैं कि मैं इसी तरह का इंसान हूँ, यानी कि अगर आपको फिट रहने का आपने गोल बना लिया, उसके लिए आपने सारा काम कर दिया, लेकिन अगर आप बिलीव ही नहीं कर रहे हैं कि आप फिट होने वाले हैं, आपके अंदर खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप फिट हैं, तो आप उस रिजल्ट को नहीं पा पाएंगे। इसीलिए आपको आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैं एक फिट इंसान की तरह हूँ। इसे एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको स्मोकिंग छोड़ना है तो पहला इंसान अगर ये बोल रहा है कि नो थैंक्स, मुझे स्मोकिंग छोड़ना, इसलिए मैं सिगरेट नहीं पी सकता, वहीं दूसरा इंसान ये बोल रहा है कि नो थैंक्स, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ क्योंकि मैं एक स्मोकर नहीं हूँ, तो यहाँ पर दूसरा इंसान अपनी आइडेंटिटी एक ऐसे इंसान की तरह बनाना चाह रहा है कि वो स्मोकर नहीं है, तो उसके स्मोकिंग छोड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो दो कामों के साथ, गोल बनाने के साथ, प्रोसेस सेट करने के साथ अपनी आइडेंटिटी में बना ले रहा है कि वो स्मोकर नहीं है, जिसके कारण उसके उस गोल तक पहुँचने के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। इसी तरीके का आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको किताबें पढ़नी, बल्कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको एक रीडर बनना। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आपको हेल्दी खाना खाना, बल्कि आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है। इस तरीके से अगर आप अपने गोल को आइडेंटिटीज के साथ भी जोड़ेंगे तो उसके पाने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो इस बुक में मैंने आपको बताई। अगर अभी तक आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी, तो अगर आप फॉलो कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं इस बुक का कुछ कंक्लूजन क्या है। पावर ऑफ 1% इंप्रूवमेंट, आपको बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1% अगर आप डेली इंप्रूव करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करके दे देगा। प्रोसेस ऑफ हैबिट मेकिंग, इसमें बताया गया कि किस तरीके से आप कोई नई हैबिट बना सकते हैं, पुरानी हैबिट को छोड़ सकते हैं। चेंज योर आइडेंटिटी, यहाँ पर बताया गया कि गोल सेट करने से आपको आउटकम तो पता चल जाएगा क्या होगा, प्रोसेस सेट करने से आपको एक पास एक सिस्टम जरूर होगा, लेकिन उस सबको अगर और अच्छे से अचीव करना है तो आपको आइडेंटिटी भी आपको उसी तरीके की होनी चाहिए। ये तीन चीज़ें इस बुक में इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एटॉमिक हैबिट बुक से बताई। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप फुल बुक समरीज, बुक के कोट्स, इंपॉर्टेंट बुक्स रिकमेंडेशन, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। इस हफ्ते के लिए ये बुक समरी थी, नेक्स्ट वीक मिलेंगे कुछ अलग बुक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।